नमस्कार, मैं एपी आहूजा एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और नेचुरोपैथी भी मैंने स्टडी की है। तो मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ आए हैं वो ये हैं कि अगर भारत सरकार चाहती है कि उसकी जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक गेम में, जो वर्ल्ड की दूसरी गेम है उसमें भी गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल वगैरह जीते हैं, तो उनको हमें एक्टिव बनाना पड़ेगा, उनको टैलेंटेड बनाना पड़ेगा। और उनको एक्टिव बनाने के लिए जो हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बहुत अच्छा पानी। वो बहुत अच्छा पानी जो है वो गंगा नदी के किनारे है। तो अगर ऋषिकेश और इससे थोड़ा हाइट पे वहाँ पर अगर हमें प्ले ग्राउंड मिल जाए नदी के किनारे, तो इन खिलाड़ियों के लिए वहाँ प्ले ग्राउंड बने, उन्हीं के लिए रेजिडेंशियल इलाका भी वहाँ बने, हॉस्टल बने, वो प्ले ग्राउंड के रूप में डेवलप करके हम उन खिलाड़ियों को वर्ल्ड के टॉप खिलाड़ी बना सकते हैं। क्योंकि वहाँ का पानी इतना शुद्ध है कि वो उन खिलाड़ियों को एक्टिव बनाएगा, टैलेंटेड बनाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम हमारे देश के खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीत के लाएंगे और वर्ल्ड में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ये मेरी विचार हैं, आप इसमें रिसर्च करो, डिस्कशन करो, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई बेटर रिजल्ट आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता एंड जय हमारे देश के खिलाड़ी। जय हिंद।